ऋषभनाथ टेम्पल 0.4 किलोमीटर। यार ये कुआ है बहुत पुराना, ठीक है, अगर इसमें फेस दिखे तो मतलब बंदे की आयु है, जिएगा, अगर नहीं दिखे तो बंदे का मतलब काल आ गया पास। पूरे बनारस में यार आपको या ऐसे मतलब हर जगह पे कलाकारी करी हुई मिलेगी, मतलब पूरे हर गलियों में। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। बहुत टाइम बाद आपसे मिल रहा हूँ यार, कम से कम 3-4 महीनों बाद कोई ब्लॉग नहीं अपलोड किया था मैं यार। तो अब मैं आपको ट्रैवल ब्लॉग दे रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया मस्त ट्रैवल ब्लॉग बनारस का। मैं और जीजू जा रहे हैं बनारस। तो यार मैं हो गया फिलहाल तो लेट हूँ मैं बहुत ज्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ पीखी सिस्टर के घर, वहां से जीजू और मैं जाएंगे राजपुरा, वहां से हमारी है ट्रेन वाराणसी की। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में, पूरी सीरीज आएगी यार स्टेप बाय स्टेप, आपको बनारस घुमाएंगे पूरा। तिलक लगवा ले मम्मी से। चलो बाय बाय टाटा मिलो जी, निकल रहा हूँ मैं। मेरे पास तो एक ही बैग है, छोटा सा बैग रेडी किया, आपको दिखाता हूँ। किट बैग रेडी किया अपना छोटा सा, इसमें लो टी शर्ट है मेरी बस, वो देखो बैठा चन्नी, बाय बाय। और बयान देख रहा है, देखो आदि बाय बाय, बनारस चलना का। मैं पीखी तो पहुंच गया पाजी के घर। क्यों पाजी? हेलो जी, गुड गुड। और रेडी हुई? यस यस। पैक है सारा सामान? और यहाँ पे खेल रहा है गांजा, गंजे हुए। ये रही प्रीशी, ये अब गांजा कर रहा है डांस, देखो। फाइनली यार हम 24 घंटे का सफर करके पहुंच गए हैं बनारस वाराणसी। बाहर से तो यार रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा बढ़िया बना हुआ है बनारस का, देखो यार कितना लाइटिंग लूटिंग है पूरी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार हम आ गए थे रात 12:30 बजे, नहीं 12:30 नहीं 12 बजे कमरे में पहुंच गए थे, बिल्कुल सही। तो हमें कमरा मिल गया था, यहाँ पे है आश्रम, आश्रम के अंदर गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ पे हमने रूम लिया है। 1200 रुपया पर डे का रूम पड़ा है हमें यहाँ पे बनारस में। तो अभी तो फिलहाल तो उठे हैं, अभी अभी नहा धो के खा पी के थोड़ा सबसे पहले जाएंगे हम किड़े मंदिर जाएंगे जी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तो मैं हो गया यार नहा के रेडी। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे यार जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, सबसे पहले वहां चलेंगे, वहां दर्शन करेंगे। आपको एक बात तो बतानी भूल गया, कल यार मेरे जूते चोरी हो गए ट्रेन में, पता नहीं यार कौन उठा के ले गया, जब सुबह सुबह सरप्राइज मिला मेरे को कल कल सुबह। सर हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास, विश्वनाथ टेम्पल 0.4 किलोमीटर, एंड यहीं पे पास में घाट है एक, ये चरस्ता है, यहाँ से जाते हैं। सारे मंदिर पास पास ही हैं, यहाँ से घाट भी पास है, काल भैरव मंदिर भी बिल्कुल पास है यहाँ से। आगे यार मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो जगह जगह पे यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं शॉप्स पे, वहाँ पे फ़ोन जमा करवा सकते हैं अपना, कुछ भी पैसे फालतू चीज़ नहीं जाने देते अंदर, थोड़ा अपना वॉलेट वगैरह जाने देते हैं और कुछ नहीं जाने देते अंदर। तो भाई ये पतली सी गली है जो मंदिर को जाती है यार, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं यार, बाजार के अंदर से जाके आएगा मंदिर। तो भाई ये चीज़ें अलाउड नहीं है अंदर ले लेके जानी, ऐसे यहाँ पे लॉकर बने होते हैं, लॉकर के अंदर उनको जमा करवाओ और जाओ अंदर। तो फिर हमने यार यहाँ से ले लिया प्रसाद, और यहाँ से लॉकर है, और लॉकर अंकल कोई पैसा नहीं लेते लॉकर का, लॉकर फ्री में होता है, मतलब प्रसाद का पैसा होता है जो भी होता है। हम यार दर्शन करके तो आ गए, 1.5-2 घंटे लगे ना, 1.5-2 घंटे लग गए हमें यार, बढ़िया था अंदर, बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी फिलहाल यार कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है, सुबह से हमने चाय तक भी नहीं पी, हमने सीधा पहले दर्शन ही किए, अब कुछ खाएं पिएंगे, ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा। अभी आ गया हमारा खाना, छोले आलू पनीर एंड सागर पूरी।
अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, ये ले लिया हमने टोकरी माथा टेकने के लिए, फूल प्रसाद। इस साइड का मंदिर भाई, इस साइड भी चलो चलो भाई। बहुत पतली पतली गलियाँ हैं यार, सारे के सारे मंदिर यहाँ पे गलियों में ही हैं। फिर अभी हम आ गए अश्वनी कुमार टेंपल, ये हैं जिन्होंने आयुर्वेद की शुरुआत की थी, खोज की थी। तो ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ना, इसलिए हम स्पेशल यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। चलिए इंद्र। देखो यार, ऐसी गलियां देखने का मजा आता है यार। देखो कितनी पुरानी पुरानी गलियां, कितने पुराने पुराने घर हैं यार, पतली पतली गलियां बिल्कुल। पूरे बनारस में यार आपको या ऐसे मतलब हर जगह पे कलाकारी करी हुई मिलेगी, मतलब पूरे हर गलियों में, कहीं पे कुछ बना हुआ, कहीं पे कुछ बना हुआ। मंदिर की एंट्रेंस है जी, छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। तो अभी हम आए चंद्रकूप मंदिर में, तो यहाँ पे ना एक कुआ है, पहले अंदर दर्शन करो और बाहर आके सीधा मतलब दर्शन करके आत की मूर्ति के कुएं में फेस देखो अपना। यार ये कुआ है बहुत पुराना, ठीक है, अगर इसमें फेस दिखे तो मतलब बंदे की आयु है, जिएगा। अगर नहीं दिखे तो बंदे का मतलब काल आ गया पास, है ना जी। हाँ। बंदे की मृत्यु पक्की है फिर, अगर शक्ल ना दिखे किसी को। ये देखो यार, यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, अब स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। यहाँ पे ना एक कुआ है, ये इसके अंदर जड़ी बूटियाँ गिरी हुई हैं, और जो भी इसका मतलब ये पानी पीता है, इसकी कुछ भी अगर बीमारी वगैरह होती है तो सही हो जाती है। फिलहाल यार अभी हम जा रहे हैं, हमने तीन जगह कवर कर ली, तीन चार जगह अभी हम जा रहे हैं यार गेस्ट हाउस में। थक गए यार बहुत ज़्यादा चल चल के, तो मैप लगा रखा है, अभी चल रहे हैं। यहाँ पीछे घाट आ गई, देखो मणिकर्णी का घाट दिखाते हैं आपको। तो घर बढ़िया नज़ारा है यार यहाँ पे, तो पूरा वो दूसरी साइड पे बीच टाइप है, देखो बीच टाइप है पूरा। मंदिर है, मणि मंदिर है यहाँ का, और इसके अंदर स्टे हमारी, इसके अंदर गेस्ट हाउस है। तो यार पूरे दिन के बाद अभी हम आए हैं डिनर करने यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई पे। यहाँ पे हमारा गेस्ट हाउस है, बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने ही है ठाकुर जी की रसोई, ठाकुर जी की रसोई। यहाँ पे देखो यार खाना ऐसे नीचे बिठा के खिलाया जाता है, ये बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। हमने यार ऑर्डर किया बिल्कुल सिंपल खाना, दाल, सिंपल दाल है एंड सिंपल रोटी साथ चटनी। फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड यार चैनल को कर लो फटाफट सब्सक्राइब, एक के तो कर दो यार, बहुत टाइम हो गया। जल्दी चलो मिलते हैं ब्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टाटा।